नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत यादव और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और बच्चों की जासूसी हम कैसे करें। जैसा कि हर कोई यहाँ पर अब कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे व्हाट्सएप ज़रूर यूज़ करता है क्योंकि एक आदत ही डेली रूटीन का बन चुका है। और हम कैसे हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमारा जो दोस्त है या गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है या अपना बच्चे हैं किससे क्या बातें करते हैं, तो हम पता कर सकते हैं। ये पता करने के लिए आप पूरी वीडियो आराम से ध्यान से देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अभी ना किया हो तो, ताकि ऐसी वीडियो में आपको ऐसी अच्छी वीडियो आपको मिले जल्दी मेरे द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले उस बंदे का व्हाट्सएप ओपन करो उसके फ़ोन से और उसमें ऑप्शन होगा दूसरे नंबर पे ये चैट्स का, उस पर क्लिक करो और चेक करो कि ये सबसे नीचे से दूसरा चैट बैकअप लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। और आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे जो ये बैकअप टू गूगल ड्राइव है इस पर क्लिक करना है। इस पर लिखा है नेवर ओनली व्हेन आई टैप बैकअप डेली वीकली मंथली। तो ये पूछता है कि बैकअप टू गूगल ड्राइव, आप गूगल ड्राइव में बैकअप कब करना चाहते हैं, नेवर कभी नहीं करना चाहते या जब आप टैप कर रहे हैं तभी या डेली या वीकली मंथली? तो आप डेली पे क्लिक कर दें ताकि जो भी वो चैट करता हो डेली बैकअप बनता रहे गूगल में, मतलब जो भी चैट करे वो गूगल में सेव होता रहे। तो डेली पर क्लिक करना है आपको, डेली पर क्लिक करके आपको वापस आना है। उसके नीचे आएगा अकाउंट्स, जो आप जो जीमेल बंदे ने बनाई होगी, मैंने 3 बनाई है तो मेरे में 3 शो कर रहा है। उस पर उस जीमेल को याद रखना है आपको जो भी है, मतलब कि ज़्यादा दिमाग में याद नहीं रखना, बस उसमें टिक मारना है कि हाँ मैं इस वाले जीमेल में सेव करना चाहता हूँ, मतलब जो चैट है आप किस जीमेल पे सेव करना चाहते हैं चुपके तरीके से, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद बैक कर लीजिए। करने के बाद ये आप वापस आइए, बैक कीजिए, फिर बैक कीजिए। अब मैं आपको शो करूँगा, कि जैसे मान लो ये अपने फ्रेंड से चैट की है 972 से, उससे ऊपर देखिए ये मैंने उसको अपना लिंक दिया था कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मैंने लिखा है भाई ये कर दिया भाई लाइक सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी ओके, तीनों चीज़ कर दो भाई, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया भाई ओके हैप्पी थैंक्स, मैंने थैंक्स लिखा है। मान लो मैंने चैट की है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये कर दिया गया, और ये भी कर देता हूँ मैं सुर वोडाफोन आशुतोष जियो, 3-4 चैट डिलीट कर देता हूँ मैं। अब मैंने तो डिलीट कर दी, जो कोई नॉर्मल बंदा होगा सोचेगा कि मैं डिलीट कर दी, अब किसी को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अब आपने डिलीट कर दी है, अब आपको पता करना है कि बंदे ने किससे क्या चैट की है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल अपने सेटिंग में जाइए, फ़ोन सेटिंग में, उसके बाद उसमें नीचे होगा इंस्टॉल्ड ऐप में जो भी जहाँ पे सारे एप्लीकेशन होती हैं, इसमें मेरे ऊपर हैं साइड में डाउनलोडेड, तो डाउनलोडेड पे क्लिक कर दिया, मैंने सबसे नीचे गया हूँ। उसके बाद इसमें व्हाट्सएप आ रहा है मेरा, व्हाट्सएप पे क्लिक किया मैंने और ये क्लियर डाटा कर दिया मैंने, और क्लियर कैसे कर दिया मतलब एक तरफ से मैंने रिमूव कर दिया ये, या आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप को, फिर दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, इससे अच्छा बस क्लियर डाटा कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, उसी नंबर को दोबारा से लॉगिन करना है, एग्री एंड कंटिन्यू अलाउ कर दिया मैंने और नेक्स्ट। अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ दोबारा, तो मैंने नंबर डाल दिया है अपना और अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है दोस्तों,
नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, इस पे मांग रहा है ओके कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे, अलाउ कर दिया मैंने। अब इसमें कोड आएगा जो कि मेरे दूसरे फ़ोन में है, वो कोड 311210। ये मैंने टू स्टेप वेरीफिकेशन लगा रखा है, अब में नहीं आएगा ये। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए ध्यान से, लुकिंग फॉर बैकअप्स, अब जो चैट डिलीट की हैं वो बैकअप हो जाएंगी। इसे रिस्टोर पे क्लिक करना है आपको, स्किप नहीं करना, रिस्टोर पे क्लिक कर दीजिए। और नेक्स्ट कीजिए क्लिक, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। अब इस पर देखिए फिर बैकअप के लिए पूछ रहा है कि आप बैकअप करना चाहते हैं, डेली पे क्लिक कर दीजिए और उसी जीमेल पे कर दीजिए जो आपको चाहिए और डन कर दीजिए। तो देखा दोस्तों दोबारा आ गया चैट, थैंक्स येरा, मैंने आपके सामने डिलीट किया था ना, कर दिया भाई लाइक सब्सक्राइब, ये वापस आ गया। आशुतोष, मैंने तीन चार डिलीट कर दिए थे ना ऊपर के, नौशाद आशु सूर्य फोन के, चाहे आप वीडियो दोबारा देख लो, ये सारी चैट्स वापस आ गई हैं जो मेरी की हुई थी। तो बंदा सोचेगा कि मैंने डिलीट कर दी है, लेकिन वो चैट्स बैकअप रहती हैं जीमेल पे, गूगल ड्राइव में। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई शातिर बंदा है तो क्या करेगा, वो गूगल ड्राइव के बैकअप को डिलीट कर देगा। जैसे अब तुम जान गए हो इसको कैसे हटाएं, एक तरीका है, इसका सोल्यूशन ये है कि जैसे आप चाहते हो कि मेरा ये चैट वापस ना आए, तो या तो पहला तरीका ये है कि वही सेटिंग पे जाओ अकाउंट में, ये चैट पे जाओ अकाउंट सेटिंग पे ही, चैट बैकअप पे, इस पे जो अगर आप नहीं चाहते कि मेरे ये चैट वापस आए, तो ये क्या करना है आपको, ये जो बैकअप टू गूगल ड्राइव है इसे इस पे क्लिक कर दो और नेवर पे क्लिक करना है आपको, तो चैट बैकअप नहीं होगा और अकाउंट सेट मत कीजिए, कैंसिल कर दीजिए कोई सा भी और बैक कर लीजिए। फिर ये चैट बैकअप्स नहीं होंगी जब तक आप सेट नहीं करोगे और फिर भी आप श्योर नहीं हो। एक और तरीका ये है कि आप क्या करें, जो भी इसकी फ़ोन सेटिंग में है, इसका फोल्डर है, इसका फ़ोन मेमोरी है, जहाँ पे APK होती हैं, इसका फोल्डर होगा, जैसे मेरा फोल्डर ये है WhatsApp, नीचे W से नीचे आएगा, ये WhatsApp का फोल्डर है, इसको पूरा डिलीट कर दो, पूरा डिलीट कर दो, तब ये चैट कभी बैकअप नहीं हो ही नहीं सकती। लेकिन ध्यान रहे, अगर जीमेल पे क्लिक है तो हो जाती है जीमेल वाली। तो बस यही बताना चाहता था दोस्तों मैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर और जो भी आपको पूछना हो। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, थैंक यू।